दिल से देख रहे हैं मौसम कितना अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है और टी टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से कुछ एक अच्छा सा स्नैक बनाया जाए। तो आज बना रही हूँ मैं टी टाइम के लिए बहुत ही बढ़िया से समोसा रोल। समोसा सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन समोसा बनाना थोड़ा टफ लगता है लोगों को। तो आज मैं उसकी बहुत ही इजी सी रेसिपी बता रही हूँ, समोसा रोल। जल्दी से रसोई में चलते हैं और बनाते हैं समोसा रोल। देखा समोसा रोल कितने टेस्टी दिख रहे थे और कितने बढ़िया से दिख रहे थे। तो हम इसकी तैयारी करते हैं। तो मैंने ये लिया है 500 ग्राम मैदा लिया है और इसमें मैं 150 ग्राम ऑयल डाल रही हूँ, है ना। ये ऑयल का इसमें अच्छे से मोल लगाएंगे हम। और मैं डाल रही हूँ इसमें कलौंजी, है ना, कलौंजी इसमें डाल देते हैं। इसका टेस्ट इसमें बहुत ही बढ़िया लगता है। और मैं डालूंगी इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक, तो 1 चम्मच नमक इसमें आराम से आएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मोन को जो है वो हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले हम। समोसे तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन आज समोसा रोल खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा और बहुत इजी है। थोड़ा समोसे बनाना थोड़ा सा टफ लगता है जो न्यू कमर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, और रोल बनाना जो होता है वो बहुत ही आसान होता है। देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से मोन आ गया है इसमें। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से डो बना लेंगे। देखिए हमारा टाइट सा डो बन गया है और बहुत ही बढ़िया सा आटा गूंदा है एकदम, देखिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तो इसको तो मैं रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ और मैं करती हूँ अपने स्टफिंग की तैयारी। ये बिल्कुल सॉफ्ट सा और कितना बढ़िया सा डो बन गया ना। इसको मैं क्या करती हूँ, रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए रख देती हूँ और हम करते हैं अपने रोल में स्टफिंग की तैयारी। तो मैंने ये बॉयल आलू लिया है, ये आलू जो है ये 500 ग्राम आलू लिया है मैंने बॉयल आलू को। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हाथों से मैं इसको, क्योंकि बॉयल आलू है बहुत अच्छे से हमारे उबल गए हैं, तो मैं हाथों की सहायता से इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे से एकदम सॉफ्ट से हो गए हैं, ये देखिए ना। आप अगर हाथों से ना चाहें तो आप किस भी सकते हैं। इसमें जाएगा गरम मसाला, ये देखिए गरम मसाला है बहुत ही बढ़िया सा हाथ से कटा हुआ। और जाएगा इसमें ये है जिंजर पाउडर, है ना। इसमें मैंने जिंजर काट के नहीं डाला है, जिंजर पाउडर डाला है। और ये डाल रही हूँ मैं गार्लिक पाउडर। ये गार्लिक पाउडर आसानी से बाहर मिल जाता है, और अगर नहीं मिलता है तो आप आराम से घर में भी इसको बना सकते हैं। तो ये इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच करीब। और डाल रही हूँ 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया सा आएगा। और डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक मैंने डाल दिया है इसमें। और डाल रही हूँ थोड़े ज्यादा सा धनिया। और डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर करीब 4 चम्मच। तो 4 चम्मच डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, जिससे बाइंडिंग जो होगी वो अच्छी होगी हमारी, 3 और 1 की 4 चम्मच बस। और अब हम इसको डो को अच्छा सा तैयार कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं हाथों की सहायता से अच्छे से। एकदम टाइट सा डो बन जाएगा हमारा ये आलूओं की स्टफिंग का। ये देखिए हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और आटा जो है वो गूल के एकदम बढ़िया से तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी लोई लेंगे। किचन प्लेटफॉर्म को मैंने अच्छे से साफ कर लिया था, ये देखिए बिल्कुल क्लीन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको अच्छे से लोई बनाएंगे। अच्छे से तैयार हो गए हैं, ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा डो बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे। देखिए देखिए जिस साइज के हमको रोल बनाने ना, तो ऐसे सिलेंडर सा शेप बना लेंगे तो ये अच्छे लगेंगे, देखिए ना। तो मैं ऐसे सारे शेप बना बना कर रख लेती हूँ। मैट हो चुके हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया हमारा जो आटा है वो बहुत ही अच्छे से फूल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी लोई बनाएंगे। और मैंने किचन प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ कर लिया है, इसको मैं अच्छे से हाथों से चिकना सा बना लूंगी, लोई बड़ी सी लोई बना लूंगी। ये देखिए अच्छे से मैंने लोई बना ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से बेल लेंगे। तो ये बड़ी टेढ़ी आड़ी कैसे भी अगर बेलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इसके रोल बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया से हो जाएंगे। तो मैं बड़ी सी रोटी बना लेती हूँ। ये देखिए मेरी पतली सी रोटी अच्छे से बन गई है, दिखाते हैं आपको, ना ज्यादा बहुत थिक और ना ज्यादा बहुत थिन, है ना। ये बन के तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये मैंने ऐसे रखा, एक रोल लिया यहाँ पर, चक्कू नहीं लिया था यार, प्लेन चक्कू चाहिए यार। देखिए हमने एक रोल रखा और ये अपना ऐसे काट लिया, देखिए ठीक है ना। और इसको हम ऐसे करके, ये देखिए ये रोल को बना लेंगे, देखिए ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में ये मैंने मैदे को घोल के रखा है, इसको क्या करेंगे हम इसमें यहाँ पर अच्छे से लगा देंगे और इसको चिपका देंगे। देखिए ये रोल बन के एकदम हमारा तैयार हो गया है। तो ऐसे रोल बना बना कर मैं रख लेती हूँ। देखिए एक और रोल बना के दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए ये मैंने रखा, उसको ऐसे काट लिया, देखिए उसको ऐसे रोल बना लिया। देखिए देखिए कितने बढ़िया से रोल बन रहे हैं। बस लास्ट में जैसे ही हम आएंगे
तो हम अपनी मैदे को ऐसे लगा लेंगे। मैदे को मैंने पानी में घोल लिया था और उसको ऐसे चिपका देंगे अच्छे से। देखिए ये देखिए कितना बढ़िया रोल बना है, इसको भी हम ऐसे रख देते हैं। एक और रोल बना के दिखाती हूँ मैं ऐसे, ये देखिए। इसी तरह हम अपने सारे रोलों को बना बना के रख लेते हैं और फिर मैंने गैस पे ऑयल चढ़ा दिया है, फिर हम बताएंगे आपको कि इसको कैसे फ्राई करना है। ये देखिए इसको ये कर दिया है ना, तो ऐसे रोल बना बना कर मैं रख लेती हूँ। देखिए कितने बढ़िया से रोल बने और एक एक दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर। देखिए हमारे रोल देख रहे हैं आप कितने बढ़िया से बने बने ना एकदम। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, मैं थोड़ा सा डो डाल के देख लेती हूँ कि गर्म हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए तैर के ऊपर आ गया, इसका मतलब हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ये वाला सतह है ना इसी की सहायता से हम ऐसे डाल देंगे इसमें। देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए इसको एकदम लो मीडियम पे सेकेंगे हम। ये देखिए क्योंकि इस पे बहुत सारे लेयर्स है ना, तो ये अच्छे से सिकना चाहिए, तो लो मीडियम पे सेकेंगे तो ये अच्छे से सिक जाएगी। देखिए कितनी बढ़िया से सिक रही है, ये देखिए सिक रही है ना। ये देखिए हमारे समोसा जो रोल हैं वो कितने बढ़िया से दिख रहे हैं आपको, कितने बढ़िया से दिख रहे हैं ये देखिए। वाह, देखते से ही ऐसा लग रहा होगा कि आपको भी बनाने का मन कर रहा होगा। तो देखिए इसी तरह से मैं अपने सारे समोसे को सेक लेती हूँ, क्योंकि ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही बढ़िया से दिख रहा है। देखो दिख रहा होगा, देखिए बढ़िया हमारे रोल देख रहे हैं आप, आवाज आ रही है। ये देखिए वाह, ये देखिए कितने टेम्पटिंग से दिख रहे हैं ना, बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही अच्छे से बने। देखिए कितने कुरकुरे, ये देखिए आ रही है ना आपको आवाज। तो इसी तरह मैं अपने सारे समोसा रोल को सेक लेती हूँ और फिर करती हूँ प्लेटिंग। समोसा रोल तो हो गए तैयार, तो इसको खाने के लिए मैंने बनाई है बहुत ही टेस्टी सी चटनी। दिख रही है आपको चटनी कितनी बढ़िया है, तो ये मैंने बनाई है केरी, पुदीने, धनिया, मिर्ची, अदरक, लहसुन, बहुत ही बढ़िया सी दिख रही है ना। तो इस चटनी के साथ मैं इसको सर्व करती हूँ। तैयार है हमारे बहुत ही यम्मी, देख रहे हैं आप कितने बढ़िया से बने हैं ये समोसा रोल। देखिए कितने कड़क और कितने टेस्टी दिख रहे हैं ना। तो आप भी इसका एंजॉय कीजिए, ग्रीन पुदीने की चटनी के साथ खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करिए। कल हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, लेकिन उसके पहले मेरे यूट्यूब चैनल हेमा की रसोई को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करें और छोटी सी बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जब भी तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन आएगा। तो एंजॉय समोसा रोल।